हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वेलकम टू माय चैनल डेली इंटरेस्टिंग। आज मैं बताने वाली हूँ कि बेसन और बतुए की करी कैसे बनाते हैं। सो करी बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम बेसन लिया है, 500 ग्राम दही लिया है और 100 ग्राम बतुआ लिया है कटा हुआ, और ये ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तो ये जीरा है, ये मेथी दाना है, ये 6 लौंग है जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये रेड चिली है 4 जिससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये धनिया पाउडर है और ये चिली पाउडर है और वो हींग है और ये ब्लैक सॉल्ट है जो सबसे बाद में डालते हैं, और ये धनिया है उसको भी लास्ट में डालते हैं, ये वाइट सॉल्ट है और ये पकौड़े बनाने के लिए बेसन है जिसको हम बाद में बनाएंगे, पहले बना लेते हैं कड़ी का बैटर। चलो बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले बेसन लिया है मैंने, इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा से अच्छा नहीं रहता। ये देखो इतनी सी मैंने ये हल्दी ऐड की है। अब इसमें दही ऐड करेंगे लाइक दिस, ये 500 ग्राम दही है, सो आप ऐसे ऐड करेंगे, खट्टा दही चाहिए। सो ये देखो ये मैं ऐड कर देती हूँ दही। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, ये देखो ऐसे मिला लेते हैं थोड़ा दही और बेसन के साथ मिलाने से क्या है ना, अच्छे से मिक्स होता है दही, इसको ब्लेंडर और मिक्सर की जरूरत नहीं होती, इसमें आप स्पून से ही अच्छा लाइक ऐसे कर सकते हैं। अब आपका दही थोड़ा सा पतला है तो आप ऐसे मिला के अच्छे से हैंड से ही मिल जाता है, आपको मिक्सर और उसकी ज़रूरत नहीं होती। और मैंने इसमें मैं डालूँगी 3 लीटर वाटर और अच्छे से पकाऊँगी, 3 लीटर वाटर डालूँगी तो मुझे कढ़ी बना बना के करना है इसको, 1.5 लीटर मेरी कड़ी बनेगी। कड़ी तो बोलते ही है ना, कड़ी कड़ी मीन्स कड़ा, उसको अच्छे से कड़ाते हैं, अच्छे से पकाते हैं, उसी को कड़ी बोला जाता है। सो देखो ये कड़ी मैं इसका घोल रेडी कर रही हूँ, सो ये कर लेती हूँ मैं, वाटर ऐड करूँगी। ये मेरा दही और बेसन अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, बढ़िया देखो कितना अच्छा पेस्ट बना है लाइक दिस लुक हियर। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं वाटर ऐड करूँगी इसमें, लुक हियर चलाते रहेंगे। अगर आप एकदम एक खट्टा पूरा बॉटर डाल देंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके बॉटर डालेंगे और ऐसे स्पून की हेल्प से इसको चलाते हुए लाइक दिस, और इसमें बॉटर ऐड करते रहेंगे। लुक हियर ये मैंने बॉटर ऐड कर दिया, और इसमें मैं 3 लीटर वाटर ऐड करूँगी जिससे कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है, जितनी पतली कढ़ी इसका घोल होगा ना फिर इसको पकाएंगे ना तो बड़ी गाढ़ा कढ़ी बनेगा बहुत अच्छा, और पहले ही आपने गाढ़ा बना दिया इसको तो कड़ी जैसे पकेगी कच्ची रह जाएगी ना, आप इसलिए वाटर ज़्यादा ऐड करते हैं। मेरा रेडी हो गया, अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब इसमें मैंने ये लिया है मैं कुकर में बहुत अच्छी टेस्टी कड़ी बनती है, ये मेरा 5 लीटर का कुकर है, और मैं इसमें ऑयल डालूँगी, ये देखो मैंने ऑयल डाला है, इसमें कम ही ऑयल लगता है क्योंकि दही में ऑलरेडी घी होता है, उसका भी घी निकल जाता है, तो ये मैंने इसमें ऑयल डाला है कुकर में। इस कुकर में बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है, कढ़ाई से भी अच्छी बनती है। सो मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी जीरा, सबसे पहले मैं जीरा डालूँगी, ये देखो मैंने जीरा डाल दिया है, इसको थोड़ा सा चटकने देते हैं क्योंकि जीरे में टाइम लगता है थोड़ा सा, और इसको हमेशा ऐसी स्पून से बनाना है लाइक दिस, ऐसे ही होना चाहिए। सो ये देखो थोड़ा सा जीरा चटकने लगा है। अब मैं इसमें इसी स्टेज पर मैं मेथी दाना डाल देती हूँ, जो मोस्ट होता है कड़ी में, जो दही के साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना वो इससे मेथी से सही हो जाते हैं, इसलिए मेथी इसमें डाली जाती है। ये देखो मेथी चटकने लगी है, ये मेथी चटक रही है, मेथी चटकते टाइम हम हींग नहीं डालेंगे, हींग जल जाएगी, इसलिए पहले मेथी चटकने देते हैं, फिर मैं डालूँगी जो मैंने लौंग ली थी ना 6-6 जो मैंने लौंग ली थी वो मैं इसमें डाल देती हूँ, ये भी अच्छे से चटकेगी, बढ़िया फूलेंगी। ये देखो ये मैंने डाल दी इसमें लौंग, इसके बाद ये लौंग भी फूल रही है अच्छे से। अब इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी ये रेड चिली जो मैंने ली थी, ये जो रेड चिली इनको भी अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से भुनने देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हल्का सा, इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी का। और अब इसे अब डालूँगी मैं हींग, फ्लेवर अच्छा आता है क्योंकि पहले तो जल जाती है। अब मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूँगी प्लेट की हेल्प से, सो मैं इसको कवर कर देती हूँ, मैं ये देखो ये थोड़ा सा कवर करूँ, इसमें क्या है ना जो हींग वाली स्मेल है और जो चिली वाली स्मेल है अच्छे से हो जाएगी, और फिर मैं ये जो मैंने घोल बनाया था इसको मैं ऐड करूँगी उसमें।
सो मैं इसको ऐड कर देती हूँ। लुक हियर, आपको उठाना है इस तरीके से और थोड़ा सा खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना है, और आपको ऐसे ऐड करना है और आपको फिर फटाफट से इसको कवर कर देना है जिससे इसकी स्मेल बाहर नहीं निकले। अगर आप इसकी स्मेल बाहर निकल गई तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपकी कढ़ी में, और थोड़ा सा करके ऐसे फिर से कवर कर देंगे और फिर आपको, अभी इसमें पूरा मैंने 3 लीटर नहीं डाला था, अब और है ये पूरा, इसको भी मैं पूरा 3 लीटर वाटर डालूंगी और इसको 1.5 तक पकाऊंगी, 1.5 लीटर। सो ये मैंने पूरा 3 लीटर वाटर डाल दिया है, ये देखो, और बस अब इसको ज़रूरत नहीं है। अब इसको चलाते रहेंगे जब तक इसका बॉइल नहीं आ जाएगा अच्छा, बट इसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने इस स्टेज पे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसमें दही फट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और चलाते हुए, ऐसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर, जब तक इसमें अच्छे से बॉइल नहीं आ जाता लाइक दिस। तो इसको ऐसे चलाते रहेंगे जब तक हाई फ्लेम पर पकाते हुए इसको पकाएंगे तो कड़ी थोड़ा सा बॉइल जल्दी आ जाता, तो जल्दी हो जाता है स्टार्टिंग में, फिर बाद में लो कर देते हैं फ्लेम को। ये देखो इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है, ये देखो हाई फ्लेम पर किया था मैंने, अच्छे से बॉईल आ रहा है, ये देखो कितनी अच्छे से। और जब तक जस्ट 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे इसको, हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और इसमें हम बथुआ हाफ पकने के बाद ही डालेंगे। जब तक, जब ये हाफ पक जाएगी तभी बथुआ ऐड करेंगे और सॉल्ट भी ऐड करेंगे। पहले बथुआ डालेंगे, फिर 5 मिनट पकाएंगे, फिर सॉल्ट डालेंगे और सारे मसाले डालेंगे। सो ये देखो, और इसको ये 5 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पर, अब थोड़ा सा लो फ्लेम पर पकाएंगे इसको। ये देखो ये लो फ्लेम पर मैंने पकाई है, ये जस्ट 25 मिनट हो गए, ये देखो यहाँ तक थी, यहाँ तक इधर तक आ गई, मतलब हाफ हो गई। अब इस स्टेज पे मैं डाल देती हूँ इसमें बथुआ। बथुआ पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि बथुआ पहले डालने से ना अच्छा फ्लेवर नहीं आता बथुए का। अब इस स्टेज पे डालने से बथुआ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और मैंने सॉल्ट बाद में ही डालती हूँ, इससे क्या ना कढ़ी आपकी फटती नहीं है। तो मैं इसको जस्ट मैंने ये डाल दिया बथुआ, इसको 5 मिनट चलाऊँगी और हाई फ्लेम पर इसको, क्योंकि ये ठंडा रहता है ना बथुआ, तो हाई फ्लेम पर चलाते हुए 5 मिनट तक मैं इसको ऐसे घुमाती रहूँगी 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर। फिर मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी। सो ये देखो मैं 5 मिनट तक ऐसे हाई फ्लेम पर इसको घुमाती रहूँगी। अब 5 मिनट हो गए हैं इसको मुझे चलाते हुए हाई फ्लेम पर, देखो कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन लग रहा है, लुक हियर, ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इस स्टेज पर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी चलाते हुए, चलाते रहेंगे। और ये देखो मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, ये 2 टीस्पून सॉल्ट था, और जो मैंने मसाले लिए थे चिली, रेड चिली पाउडर, ये चीज़ मैं ऐड कर देती हूँ, पूरा ऐड कर दिया मैंने। और इसको मैं चलाती रहूँगी, ना हाई ना मीडियम फ्लेम पर इसको मैं चलाती रहूँगी, नहीं क्या है ना सॉल्ट डाला है फट जाएगी कड़ी। तो ये मैं ऐसे मिक्स कर दूँगी इसको हाई फ्लेम पर, नहीं मीडियम फ्लेम पर, अगर आपने हाई कर दिया तो फटने का डर रहता है ना, क्योंकि सॉल्ट डाल रहा है ना इसलिए। सो ये देखो मैं चलाती रहूँगी इसको 5 मिनट तक, और फिर इसको जस्ट 20 मिनट पकने देते हैं मसाले डालने के बाद, एंड सॉल्ट और बथुआ डालने के बाद इसको 20 मिनट पकने देते हैं। इसको पकते हुए 1 आवर हो गया, ये देखो कितना ज़्यादा थी, और हाफ से भी कम बची है थोड़ी सी, ये देखो कम से कम इसका मटेरियल था पूरा 4 लीटर का, ये देखो 5 लीटर का कुकर है आप देख सकते हैं। ये देखो इस कुकर में बनाने से ना कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है, कढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं लगती, नॉन स्टिक में भी इतनी अच्छी नहीं, इसमें बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखो मेरी कढ़ी बन गई है, और इसी स्टेज पर मैं इसमें ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर देती हूँ। सो ये मैंने ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर दिया अच्छे से, इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको 1 आवर हो गया, कढ़ी का मतलब होता है कि काढ़ा बनाना, बेसन एंड दही का काढ़ा बनाना, कढ़ी पकती नहीं है तो वो कढ़ी नहीं होती, और 1 आवर लगता है अच्छी कढ़ी बनाने, 1.5, बट इसको 1 आवर लगा है, लाई और हाई और लो और मीडियम फ्लेम पर मैंने पकाया है इसको चलाते हुए। ये देखो कढ़ी रेडी है, मैं आपको इसको ये इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और आपको बताती हूँ कितनी अच्छी कढ़ी बनी है, लुक हियर। और थोड़ा सा पहले मैं इसमें पकौड़े भी ऐड कर देती हूँ, ये अपने पकौड़े बनाए थे, इससे और डबल टेस्ट हो जाता है बथुए की कढ़ी में, अगर पकौड़े भी ऐड कर दो ना थोड़ा सा, बट गैस ऑफ करने के बाद ही पकौड़े डालना है, वो तो फिर थोड़ा थोड़ा
ठंडा होती है ना तो सही रहती है। अगर आपने गर्म गर्म में कर दिया ना तो ऊपर से वो सॉफ्ट से हो जाते हैं, अंदर से वो आटा सा बन जाता है। तो आपको गैस बंद कर देना है, फिर ये डाल देते हैं पकौड़े। ये देखो पकौड़े भी डल गए, अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं बर्तन में। ये देखो ट्रांसफ़र कर लिया हमने, ये देखो, ये देखो कितनी अच्छी कढ़ी बनी है, वाह सुपर, धुआं धुआं हो रहा है। लुक हियर, अब इसमें थोड़ा सा गार्निश भी कर लेती हूँ ग्रीन कोरिएंडर से। लुक हियर, 1 आवर में कढ़ी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी ट्राई करिए बेसन एंड बतुए की करी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।